अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अर्शद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़ी आपको दिखा रहा हूं। लेकिन उससे पहले तमाम मेवात वासी और मुसलमान बहन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना और पूरी वीडियो को देखना। बड़ी ही काम की बात आपको बताने वाला हूं। इसराइल ने जबरदस्त तरीके से हवाई हमले किए हैं और भारी नुकसान फिलिस्तीन को झेलना पड़ा है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीन की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उनमें 13 इजरायली मारे गए हैं। लेकिन इजरायली गोदी मीडिया दिखा रहा है कि हमारे 9 लोग मारे गए हैं। लेकिन हकीकत और सच्चाई यह है, फिलिस्तीन की जवाबी कार्रवाई में और जो दागे गए रॉकेटों की वजह से 13 यहूदियों की मौत हुई है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये तस्वीर देखी और सुनी। ये तस्वीर एक देश है जॉर्डन, जॉर्डन की जनता की तस्वीर, जो जॉर्डन को छोड़कर इतना जोश उन्होंने दिखाया कि वो अपने मुल्क को छोड़कर रोडों पर निकल चुके हैं, पैदल भाग रहे हैं और पूरे जोश के साथ वो अब इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे अब वो इसराइल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो नीचते ही इसराइल से लड़ने की क्षमता रखते हैं, इसराइल में घुसकर इसराइलियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जॉर्डन की जनता ने करके दिखाया, जो वाकई जॉर्डन की जनता को हम सलूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि जॉर्डन की जनता में जो जोश और जो जज्बा नजर आया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस्लाम के प्रति हर एक मुल्क के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान अभी सोए हुए हैं। यहाँ तो लोग फेसबुक पर बकचोदी करते हैं, अपने फिलिस्तीन के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। आप लोग फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला फिलिस्तीन को इस जंग में फतेह हासिल कराए, क्योंकि फिलिस्तीन अपने हक पर है और इसराइल ना हक पर है। आपको जानकर के लिए यह भी बता दूं कि किसी जमाने में जब हिटलर ने यहूदियों को मारा था तो यहूदियों के लिए कहीं पर जगह नहीं मिली थी, लेकिन मुसलमान जो होते हैं वो बड़े दिन वाले होते हैं। मुसलमानों ने इन यहूदियों के लिए फिलिस्तीन के अंदर शरण दी थी, यानी ये शरणार्थी हैं। आज भी पूरी दुनिया के अंदर इसराइल को देश का दर्जा नहीं मिला है, ये एक अवैध बस्ती है, लेकिन अमेरिका की गोद में बैठा है, उसकी गोद में बैठकर पला है, इसलिए उनकी वजह से ये यहाँ पर जड़ जमाए बैठा है। और आज जब इसके पास काफ़ी हथियार और काफ़ी ताकत हो गई तो ये फिलिस्तीन को ही सता रहा है, यानी जिस फिलिस्तीन ने इनको शरण दी थी अपनी ज़मीन पर, ये उसी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ कि ये पूरे तरीके से नाजायज तरीके से अवैध बस्ती है, 1 करोड़ की इसराइल की आबादी है। जिस फिलिस्तीन ने इनको शरण दी थी आज उसी फिलिस्तीन पर इन्होंने कब्जा किया और नरसंहार कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूँ दोस्तों, फिलिस्तीन की तरफ से जो गोलाबारी की गई है उसमें 13 यहूदी यानी इसराइलियों की मौत हुई है और जल्दी जो है सऊदी अरब के अंदर एक बड़ी बैठक होने वाली है तमाम 57 मुस्लिम देशों की, क्योंकि राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने पूरे तरीके से चैलेंज कर दिया है कि ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है कि जंग अब होना तय है, लेकिन वो अपने तमाम मुल्कों से मशवरा कर रहा है किस तरीके से इसराइल को घेरना है, किस तरीके से दुनिया के नक्शे से इस गद्दार मुल्क को मिटाना है। तो यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।